गाजियाबाद के थाना खोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 11 फोन, 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 नाजायज चाकू भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों ने गाजियाबाद में कई चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया है। आज 3 तारीख रात लगभग 1-2 बजे के आसपास रात्रि चेकिंग के दौरान थाना खोड़ा में 3 शातिर लुटेरों को पकड़ा गया है। इनके नाम है राहुल, अभिषेक और योगेश। इन तीनों के पास से जो बरामदगी है वो है 11 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू। इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का रहता था कि पहले ये रात्रि के समय में लोगों को तमंचा या चाकू दिखा के आतंकित कर देते थे, डरा देते थे। उसके बाद इनमें से इनका एक साथी पीछे से गला पकड़कर उसको ऑलमोस्ट चोक कर देता था और बेहोशी की हालत तक ला देता था। उसके पास जो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान रहते थे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, के छीन लेते थे। इसके बाद इनके ऊपर कई आपराधिक इतिहास भी है, जैसे कवीनगर की एक लूट में ये सब वांछित चल रहे हैं। इनका पिछला आपराधिक इतिहास भी काफी बृहद है और इनके ऊपर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, ये मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, कितने अभी तक ट्रैक हो गए हैं? ये 11 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ एक जो कवीनगर में वांछित लूट में जो वांछित थे उनमें ट्रैक हुए हैं, बाकी के लिए IVI रन करवाया जा रहा है। सर, ये प्रेस नोट में लिखा हुआ मुठभेड़, मुठभेड़ कैसे हुई इनसे? मुठभेड़ का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि रात्रि चेकिंग के दौरान, मतलब ये संदिग्ध व्यक्ति दिखे थे, हो सकता है कि ये कल भी कोई लूट कारित करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय में संदिग्ध ये प्रतीत हुए और इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास ये सब सामान मिला। फायर हुआ नहीं? फायरिंग नहीं। सर, पिछली बार की थाना जयपुरम से इसी प्रकार के चोर लुटेरे भेजे थे जो गली में स्टॉपर लगा देते, क्या उनसे उनका संबंध है? अभी तक संबंध नहीं पाया जा रहा, बाकी जांच। सर, कितने पढ़े लिखे हैं और कितना बड़ा आपराधिक इतिहास है? ये ऑलमोस्ट 10वीं पास है ये सबके सर, और आपराधिक इतिहास काफी ज्यादा है। दूसरे थानों के भी लूट के मामलों में ये वांछित चल रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली मशहूर रागिनी गायिका सुषमा को देर रात नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया और बदमाश इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हत्या से कुछ घंटे पहले रागिनी गायिका सुषमा अपने कुछ साथियों के साथ बुलंदशहर कोतवाली देहात में 19 अगस्त को हुए जानलेवा हमले के मामले में पैरवी करने के लिए आई थी। बताया ये भी जा रहा है कि सुषमा ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने मशहूर रागिनी गायिका सुषमा पर हुए जानलेवा हमले को NCR में दर्ज किया था और 1 हफ्ते बाद पुलिस ने इस जानलेवा हमले में प्रमोद सहित 2 के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया था। बुलंदशहर के SSP स्वीकार कर रहे हैं कि सुषमा 1 अक्टूबर को बुलंदशहर पुलिस से मिली थी। मामले को लेकर उचित कार्रवाई ना करने पर SSP ने नई मंडी चौकी के प्रभारी राजीव कौशिक को सस्पेंड कर दिया है। सुषमा है ये, कल कोतवाली देहात पर बुलंदशहर में आई थी, वो शायद सुरक्षा की भी शायद उसने मांग की थी, क्या चीज सामने आई सर? ये देखिए, महिला शुद्ध रूप से नोएडा में रहती थी, तो यहाँ से सुरक्षा मांगने का कोई औचित्य नहीं था। हाँ, ये सही है, कल वो थाना कोतवाली देहात पे आई थी, थाना प्रभारी ने उससे बातचीत की, उसके बयान लिए थे और इसके बाद यहाँ से वापस गई। वापस जाने के बाद वहाँ पर उसके साथ ही घटना हुई। थैंक यू सर। नोएडा में हत्या हुई है और कुछ दिन पहले यहाँ बुलंदशहर में उसने 307 का मुकदमा दर्ज कराया था, क्या है सर ये पूरा मामला? वास्तव में एक सुषमा नाम की महिला है जिसकी कल नोएडा में गोली मार के हत्या की गई है। दिनांक 19 अगस्त को ये एक मंदिर पे जो है रात्रि जागरण के कार्यक्रम में 12,000 रुपये पे इंगेज हुई थी और इसे 8:30 बजे आना था। उस दिन रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास प्रमोद नाम का व्यक्ति जिसने इस महिला को इंगेज किया था उसके घर पे पहुंची। वहां से इसने प्रमोद को फ़ोन किया कि मैं आपके घर पहुँच गई हूँ, कहाँ चलना है, आप आके ले चले। प्रमोद जो तत्समय मंदिर पर था वो मंदिर से मोटरसाइकिल से आया और उस महिला के आगे आगे, महिला कार से थी, इसके साथ एक और महिला गायिका थी, उनका बेटा था और उसके पति थे, तो कुल 3-4 लोग ड्राइवर सहित उस कार में थे। घर और प्रमोद के घर से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में चरी के खेत से कुछ लोग डंडे लेके निकले, उन्होंने गाड़ी पे डंडे बरसाए जिससे गाड़ी का शीशा आदि फूट गया और महिला का आरोप यह था कि प्रमोद मोटरसाइकिल से भाग गया मौके से। इसके बाद महिला ने 100 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस पहुंची, महिला को थाने लाया गया और महिला ने एक NCR 323-427 की दर्ज कराई जिसमें प्रमोद को साजिश में रखा और 2 अन्य व्यक्तियों अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया।
इसके लगभग एक सप्ताह बाद महिला और प्रमोद के बीच पैसों को लेकर के कुछ बातचीत हुई। महिला 12,000 में इंगेज थी, 8,000 रुपये उसे मिल गए थे, जो शेष 4,000 थे उसकी मांग कर रही थी। और प्रमोद का ये कहना था नहीं हुआ, इसलिए वो पैसा देने से मना कर रहा था। इस बीच में महिला 26 अगस्त को हमारे कार्यालय में आई, उसने एक अलग तहरीर दिया और उसमें प्रमोद को और एक अन्य अज्ञात को 307 में नामित करते हुए तहरीर दी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की जा रही थी और थाना प्रभारी द्वारा इस प्रकरण में कई बार यहाँ तबिशें दी गई और चौकी प्रभारी जो था उसको विवेचना में जिस स्तर का प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास नहीं किया, तो इस घटना के घटित होने के बाद चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। और अब जो घटना मर्डर की वहाँ पे हुई है उसका इस घटना से कोई संबंध है या नहीं, ये ब्याज का विषय है। फिलहाल कोई ऐसा मोटिव नहीं दिखाई देता कि इन दोनों घटनाओं के बीच में कोई गंभीर तालमेल हो। सर ये बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस में उस समय हड़कंप मच गया जब शादीशुदा प्रेमी युगल वहां पहुंचा और बताया कि दोनों ने जहर खाया हुआ है। आनन फानन में दोनों को पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एक दंपति एसएसपी ऑफिस के पास पहुंचे हैं और जहर खाकर पहुंचे हैं, क्या हुआ उनका? ये एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक जोड़े ने वहां पे एसएसपी ऑफिस के आने से पहले जहर खा लिया और वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित किए गए हैं उनकी जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पता जा रहा है किसी प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में उन्होंने जहर खाया है, कहा जा रहा है कि किसी लड़की को उन्होंने उसके घर पर रख दिया था, तो उस पर क्या ऐसे आरोप लगाए गए हैं उस प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया गया है। जैसा मैंने बताया ये सारी की सारी जाँच के विषय हैं, इसमें जाँच करके जो भी फैक्ट्स आते हैं निकल के उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कि यहाँ गाजियाबाद की एस टीम ने उनके पर उत्पीड़न किया और उन्होंने जहर खा के एसएसपी ऑफिस पहुँचे थे, ऐसा मुकाबला हुआ। क्या कुछ प्रकरण है आपके पास, एक शिकायत कब मिली थी? जी लगभग 1.5 महीने पहले मेरे पास एक लड़की आई, दामिनी, उसने अपना नाम बताया। उसने बताया कि उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया और उसका मारपीट करके उसको प्रताड़ित किया जाता है। इस आशय से हम लोगों ने उसके पति के खिलाफ एक नोटिस इशू किया, पुलिस के थ्रू उसको सर्व करवाया, लेकिन वो नहीं आए। फिर दोबारा नोटिस भेजा गया और अल्टीमेटली दोनों ही लोग हमारे पास आए, उसका पति और वो उसकी पहली पत्नी जो है। उसने बताया इस मामले में कि हमारी पहले शादी हुई है और एक बेटा भी है और उसके बाद भी ये मुझसे मारपीट करते हैं और दूसरी किसी महिला से इनका संबंध है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। फिर उन दोनों में आपसी सहमति बनी और दोनों इस पे राजी हो गए कि अब हम दोनों साथ रहेंगे। उसके पति ने हम लोगों को लिखित रूप से भी वो किया कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखूंगा, मेरा बेटा भी है, मैं जिम्मेदारी से अब एक अच्छे नागरिक की तरह एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता की भूमिका निभाऊंगा। और उसके बाद यहाँ से लोग चले गए थे और लिखित में उन्होंने इस बात की सहमति भी दी थी कि हम लोग साथ रहेंगे। अब आज जो मामला आप बता रहे हैं जो आपके संज्ञान में आया है, अब उसके बाद उस मामले में क्या प्रगति हुई, शायद ये वही लड़की हो जो जिसने उसने बताया था कि ये किसी और महिला के साथ इसका अफेयर है, तो अगर ऐसा कुछ है तो एक विवाह होते हुए किसी दूसरी महिला से संबंध रखना है तो सामाजिक अपराध के साथ साथ कानूनी अपराध भी है। और दूसरा अगर आत्महत्या का प्रयास और इस तरह की कोई चीज़ है, कोई मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग उनके खिलाफ विधिक रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ललित, क्या किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप और आपकी वाइफ हैं, क्या बात हुई थी? सर यह है कि एसडीएम अपूर्वा यादव हैं, उन्होंने हम पे बहुत दबाव बना रखा है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर के कि एक महिला है दामिनी आर्य, मैं उनके साथ लिव इन में रहा हूँ, मतलब संबंध हमारे बने हैं आपस में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई। जबकि अपूर्वा यादव मुझ पर ये दबाव डाल रही है कि तूने इससे शादी करी है और तेरी जो ये शादी है गैरकानूनी है और तू इसको तलाक दे और इससे शादी कर। जब एसडीएम ये कह रही है कि मेरी उससे शादी और तो मैं दोबारा कैसे शादी करूँ इसको तलाक लेके। ये क्या नाम है इनका? इनका सोनिया। हाँ, कहाँ से हैं आप? सर मैं पंजाब से हूँ। और सर हमें पहले सर इनको अंदर कर दिया गया, पहले कबीर नगर थाने में लेके गई वो महिला दामिनी, उसने एक स्टैम्प बनाया हुआ था सर, नोटिफिक कराया हुआ था, दो महीने हस्ताक्षर लिए सर जबरदस्ती, पुलिस वालों ने बहुत तोड़ कर कराया सर, रात दिन
दो दिन तक मुझ पे जो मुकदमा लगा है ना वो फर्जी तरीके से लगा, दो दिन तक मुझे थाने में बंद रखा है और इसमें डेट दिखाई उन्होंने पकड़े हुए थी 13 तारीख की, मुझे 2 घंटे पहले पकड़ा है जबकि 2 दिन से मुझे पकड़ के वहाँ बिठा रखा था। और मुझे अभी आप किससे मिलने आए थे, क्या आप हम थक चुके थे, हम मिलना चाह रहे थे, हम डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लगा के आए और फिर हमने ये कदम उठाया क्योंकि वो बार बार एसडीएम को फोन कर देती है, एसडीएम हम पे वहाँ प्रेशर बनवाती है। कभी अभी उसने सर एक बार फोन किया है सर, मैंने अपने अपने ससुर को फोन किया एक बार, मैंने अभी उस महिला ने एक बार हमारे घर में बैठी हुई एक बार फोन किया एसडीएम को, एसडीएम ने उठा के हमारे गाँव के पटवारी को भेज दिया कि जाके लड़की को पकड़ के लाओ। किस बात का सर पकड़ के लाए, क्या सर बार बार अरेस्ट कर लेते हैं बिना जानकारी, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सर हमें, क्या क्राइम कर दिया हमने। आप लोग बता रहे हैं आप लोगों ने क्या सुसाइड की कोशिश की है सर, सुसाइड कोशिश नहीं की हमने, खा रखा है क्या जहर, खा लिया है हमने, अभी हमें हो गए कम से कम 20 मिनट।